देखिए, जिस पार्टी में एक राजा हो, रानी हो, राजकुमार हो और राजकुमारी हो, तो जिस पार्टी में राजकुमार और राजा का कंसेप्ट हो, पहले वो मानसिक रूप से गुलाम है। एक ही पार्टी के पिछले 25-26 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। मोदी की गारंटी योजना के तहत पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बिहार के आज पटना में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत तमाम बीजेपी के नेता शामिल हुए। वहीं आरजेडी द्वारा लगातार राम मंदिर को लेकर दिए जा रहे विवादित बयान को लेकर जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने इसको लेकर किस तरह आरजेडी पर निशाना साधा, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लगातार 15 नवंबर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जो संकल्प है 2047 का, विकसित भारत बनाने का, उस यात्रा के माध्यम से आज यहाँ भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आज पहुँची है। और इसके माध्यम से जो गरीबों को लाभ मिलना है, गरीबों का कल्याण होना है और देश विकसित हो, इस संकल्प के साथ जो बचे हुए लोग हैं उनके रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और उनको योजना का लाभ मिला, ये भी बताने का काम किया जा रहा है। सर, बिहार के शिक्षा मंत्री मंदिर को गुलामी को लेकर ये बात, देखिए, जिस पार्टी में एक राजा हो, रानी हो, राजकुमार हो और राजकुमारी हो, तो जिस पार्टी में राजकुमार और राजा का कंसेप्ट हो, पहले वो मानसिक रूप से गुलाम है। एक ही पार्टी के पिछले 25-26 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो वो गुलाम है। हम तो आत्मा की शांति के लिए भगवान के शरण में जाते हैं और शरीर के शांति के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। जिनको ये ही ज्ञान नहीं है उस पर क्या बोलना है। अजय यादव ने कहा है कि बम ब्लास्ट हो जाएगा। अजय यादव है, अजय यादव के विधायक है, कुछ भी हो सकता है में और राम मंदिर में हो सकता है, लोग बम ब्लास्ट निकला तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, जिसका मानसिक रूप से लोग बीमार हो, जिनका पूरा परिवार, माताजी जेल में रह गई, पिताजी जेल में रह गए, तो हमको लगता है उनका भी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया। राजद पूर्ण रूप से तुष्टिकरण के चक्कर में इस बिहार और देश में जो स्थिति बनाई है वो स्पष्ट दिखता है कि ये लोग तुष्टिकरण के चक्कर में ये सारी बातों को बोलने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को, जिन्होंने मोदी की गारंटी योजना के तहत पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान जो चलाया जा रहा है इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 2047 तक हम लोगों का संकल्प है भारत को विकसित भारत। पैच तो आपने सुना बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को, जिन्होंने मोदी की गारंटी योजना के तहत पूरे देश में चलाया जा रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को लेकर कहा कि इस अभियान के तहत हमने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और मोदी की गारंटी में यह सब कुछ आसान भी है। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बीते दिन एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मंदिर जाने पर गुलामी की बात की थी। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस पार्टी में राजा और रानी का कॉन्सेप्ट है वो पार्टी तो ऑलरेडी मानसिकता का गुलाम है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।